हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और यहाँ आप भारत में भी तेजी से फैलने लगा है, जिसे रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने 21 दिन के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया है, जिससे इसका ट्रांसमिशन कम हो सके। पर दूसरी ओर जो लोग स्टेट्स में काम करने के लिए गए हैं, उन्हें लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस लौटने थोड़ी दिक्कत हो रही है और बहुत से लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की स्टार्ट किया है और लोगों से आग्रह किया कि वो देश हित के लिए डोनेशन दे, ताकि लोगों को जरूरी सामान पहुंचा सके। इसमें बहुत से सेलिब्रिटी ने आगे आकर अपना योगदान दिया है। इसमें सबसे पहले अक्षय कुमार सबसे आगे आए हैं। तो अक्षय कुमार ने अब क्या ट्वीट किया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, दिस इज दैट टाइम व्हेन ऑल दैट मैटर्स इज द लाइफ्स ऑफ अवर पीपल एंड वी नीड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट टेक्स। आई प्लेस टू कंट्रीब्यूट ₹25 करोड़ फॉर माई सेविंग्स टू नरेंद्र मोदीज पीएम केयर फंड। तो इसमें सबसे पहले अक्षय कुमार ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने 25 करोड़ प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। वही अगर हम बात करें दूसरे सेलिब्रिटी की, तो वरुण धवन की, तो वरुण धवन ने क्या ट्वीट किया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो वरुण धवन ने ट्वीट किया है, आई प्लेज टू कॉन्ट्रीब्यूट 30 लैक्स टू द प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वी विल ओवरकम दिस। और उन्होंने एक नारा दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि देश है तो हम हैं। तो वरुण धवन ने भी क्या किया, उन्होंने 30 लाख रुपए जो है वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में देने के लिए बोला है। वही अगर हम बात रतन एंड टाटा की, तो रतन टाटा ने अपना बहुत बड़ा दिल खोल के उन्होंने दान दिया है। उन्होंने क्या लिखा है कि द कोविड-19 क्राइसिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस वी विल फेस एज अ रेस। द टाटा ट्रस्ट एंड द टाटा ग्रुप कंपनीज हैव इन द पास्ट राइजिंग टू द नीड ऑफ द नेशन। एट दिस मोमेंट द नीड ऑफ द आवर इज ग्रेटर देन एनी अदर टाइम। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टाटा ट्रस्ट की तरफ से 500 करोड़ रुपीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 500 करोड़ रुपए हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द मेडिकल पर्सनल ऑन द फ्रंट लाइंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर ट्रीटिंग इंक्रीजिंग केसेस, टेस्टिंग किट्स के लिए, वहीं सेटिंग अप मॉड्यूलर ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द नॉलेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड द जनरल पब्लिक। तो उनका जो 500 करोड़ रुपीज जो ट्रस्ट है देंगे, वो उसका जो यूज होगा इन पांचों चीजों के लिए यूज होगा। वही अगर हम अदर्स लोगों की, तो उसमें क्या है, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ₹20 करोड़ कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला है कि वो जो है 20 करोड़ रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे पीएम केयर्स फंड में। वही अगर हम बात करें भूषण कुमार, जो कि तीसरी के मालिक है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है, टुडे वी आर ऑल एट अ रियली क्रूशियल स्टेज एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू ऑल वी कैन टू हेल्प। आई अलॉन्ग विद माई एंटायर टी सीरीज फैमिली प्लस टू डोनेट ₹11 करोड़ टू द पीएम केयर्स फंड। तो भूषण कुमार ने ट्वीट किया कि वो जो है 11 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में ट्रांसफर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीब्यूटर्स की, जैसे श्री प्रदीप एंड श्री पंकज राठौड़ जो सेलो ग्रुप के हैं, उन्होंने 3.5 करोड़ रुपीज जो है पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने के लिए कहा है। उसके बाद अगर हम और लोगों की बात करें, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या ट्वीट किया है, प्रेसिडेंट और रामनाथ कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, प्लेज टू डोनेट 1 month सैलरी टू पीएम केयर्स फंड टू हेल्प द नेशन टाइड ओवर द क्राइसिस ऑफ कोविड-19। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने बोला है कि वो अपनी 1 month की सैलरी है वो पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर करेंगे। वहीं अगर बात करें हम दूसरे क्रिकेटर की, जो सुरेश रैना है, तो उन्होंने बोला है, इट्स टाइम वी ऑल डू अवर बिट टू हेल्प डिफीट कोविड-19। आई एम प्लेजिंग टू डोनेट ₹52 लाख टू द पीएम केयर्स फंड, जिसमें कि 31 लाख जो है वो पीएम केयर फंड में जाएगा, तो रिमेनिंग 21 लाख है होगा वो यूपी चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सेलिब्रिटी ने अपना दिल खोल के अच्छे से दान किया। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मुश्किल परिस्थिति में अगर आप कुछ भी दान करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितना आप कंट्रीब्यूट कर सके तो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साउथ के सुपरस्टार जिन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में
जो पैसा है वो डोनेट किया है, उसमें सबसे पहले आते प्रभास। प्रभास ने 4 करोड़ रुपीज ट्रांसफर किया है। वहीं अगर बात करें पवन कल्याण की, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपीज डोनेट किया है। वहीं अगर बात करें महेश बाबू की, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपीज डोनेट किया है। आलू अर्जुन ने 1.25 करोड़, चिरंजीवी ने 1 करोड़, जूनियर इंडिया ने 75 लाख, रामचरण ने ₹70 लाख, नितिन ने ₹20 लाख और साई धर्म तेज ने ₹10 लाख डोनेट करने के लिए बोला है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।